रेडी मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बोला था ना कि मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो वो सब लोग आ चुके हैं सुबह सुबह। नाना चिकू बेटा नाना की कोड़े को चीज तो ये खाबार जिनिस ओटा नाना की कोड़े होबे। हां हां देखिए जीवे जल आछे मैं दिखाती हूं। चिकन में हमारा दो दो शेफ है आज दिखा। तो ये है हेड शेफ, इनके इंस्ट्रक्शन में ये कुक कर रही है। हे गाइस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने पापा के घर हूँ और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। तो कल वाला व्लॉग ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं 5-10 मिनट हुआ है अभी मैं इधर आई हूँ, तो इधर से ही मैं अपना ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं अपडेट देती हूँ आपको, मेरी माँ उधर कुक कर रही है। आज भी बन रहा है चिकन, हम सभी चिकन लवर हैं तो इसके लिए हर रोज़ चिकन। आज भी दोपहर को चिकन बनेगा। और हम लोग अभी जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, मार्केट जाना है, उन लोगों को कुछ ख़रीदना है, मुझे भी ख़रीदना है, फिर हम लोग जाएँ। एक्चुअली यहाँ पे बहुत दिन, एक साल हो गया, एक साल पहले एक सलाव खुला है, तो उधर मैं गई नहीं हूँ कभी भी। सुना है कि बहुत अच्छी तरीके से वो लोग हेयर कट कर रहे हैं, स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग ये सब चल रहा है, लेकिन कभी भी नहीं गई हूँ। इस साल पूजा से पहले जाने का प्लान था, लेकिन अभी पायल जो है मेरी बहन वो हेयर कट करवाएगी, तो इसके लिए मैं जा रही हूँ, देख भी लूँगी और इसके बाद जाके मैं भी मेरा थोड़ा सा हेयर का ट्रीटमेंट करवाऊँगी। और बाबा जा बना, बाबा इधर चिकू खेल रहा है, तो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। तो आज आप लोग मेरी छोटो पिसी को अच्छी तरीके से देख लीजिए। नमस्कार। छोटो मासी साथे फोटो सेशन होता है। माँ की बात है। बड़ो मासी साथे हबे ना, बड़ो मासी साथे, बड़ो मासी साथे, हैं? हबे ना बड़ो मासी साथे तो आप बड़ो मासी साथे को करा होगा। इतना बिड़े करा ना? तो चलिए अंदर जाते हैं। तो दादा क्या बंद है, मतलब जो उनका जो पार्लर है वो खुला है, लेकिन जो हेयर ड्रेसर्स है वो कोरोना के कारण नहीं आ पा रहे हैं, इसके लिए 13 तारीख के बाद अभी हेयर कटिंग होगा। अभी वो स्मूथनिंग स्ट्रेटनिंग केराटिन ट्रीटमेंट ये सब चल रहा है, वो हमको नहीं करवाना था, सिर्फ हेयर कटिंग करवाना था, तो इसके लिए हम नहीं कर मतलब वहाँ पे बहुत दुख हुआ। तो इसके लिए हम अभी जा रहे हैं और एक पार्लर वो हमारे घर के पीछे है, मतलब मेरे ससुराल के पीछे, उधर ही मैं हेयर कट करती हूँ, उधर ही जा रही हूँ। अगर वो खुला हुआ रहता है तो ये तीनों ही हेयर कट करवाएंगे उधर। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ।
तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैं ना उधर से चली आई थी, मतलब वो जो ब्यूटी पार्लर था ना ड्रीम गर्ल, उधर वो तीनों को ही हेयर कट करवाना था। और अभी सुन रही हूँ, मैंने फ़ोन किया था उस टाइम पे, बोला था तीनों को ही करवाना था, और अभी मैंने फ़ोन किया था तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, दो लोग करवाएंगे, जो दीदी भाई है उसने नहीं किया, वो पूजा से पहले करवाएगी। तो बहुत लेट हो रहा था तो मैंने बोला कि मैं घर चली जाती हूँ, क्योंकि चिकू को मुझे नहलाना भी है और उसको खिलाना भी है, और जो चिकन है वो हम लोग ही लेके आने वाले थे। तो अगर इतनी देर होगा, मतलब अभी देखिए 1:15 हो रहा है, तभी तक वो लोग नहीं आए हैं, तो अगर 1:30 बजे चिकन आएगा फिर कब कुक होगा, कब हम लोग खाएंगे, कब घर जाएंगे, ऐसा लेट हो जाता। तो इसके लिए मैं पहले ही आ चुकी हूँ और मैंने चिकू को नहला दिया है, और अभी मैं भी नहा के एकदम फ्रेश हो चुकी हूँ, और वो लोग अभी तक नहीं आए हैं, शायद और थोड़ा सा वक्त लगेगा, पता नहीं है। और इधर चिकन चढ़ चुका है गैस पे कुक होने के लिए, चिकू का चिकन भी रेडी हो चुका है और अभी मैं चिकू को खिलाऊँगी। तो मैं ना उन लोगों को बहुत इंसिस्ट कर रही हूँ कि रुक जाओ, आज रात तो रुक जाओ, क्योंकि वो लोग अपने पर्सनल कार में आए हैं। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि कोई ट्रेन में तो नहीं आई हो कि एकदम टाइम टू टाइम ही जाना है, कार में आई हो तो एक दिन अगर एक रात रुक जाओगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा भी लग रहा है ना, बहुत दिनों के बाद कोई आया है घर पे, और इतना मज़ा हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान तो कुछ भी नहीं हो रहा था, एक ही रूटीन में लाइफ चली जा रहा है। वो आ गए हैं, अभी आए हैं, तो मैं बहुत इंसिस्ट कर रही हूँ, देखते हैं। मैंने ये भी बोला है कि तुम रुको, रात में मैं तुमको चिली चिकन खिलाऊंगी, तुम लोगों को खुद कुक करके खिलाऊंगी, रुक जाओ प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा भी बोला है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं रुकेंगे, और भी इंसिस्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और मैं अभी आपको ना पायल का हेयर कट दिखाती हूँ, वो लोग अभी भी लौटे हैं। कोई देखी पायल चुलटा देखी तो कौन काट लो, वाह एदिके लाइट अच्छे एदिके देखा। चिकू को अभी अभी मैंने खिला दिया है और मैं अभी चिकन बना रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सिंपल सा ही चिकन कड़ी बन रहा है, इसके लिए मैंने रेसिपी शेयर नहीं किया। और आपको पता है एक सेकंड, और इन लोगों को मैं इतनी बार बोल रही हूँ कि रुक जाओ, पर नहीं रुकेंगे, बोल रहे हैं कि इधर आदर है बेटी, इधर आदर है बेटी, बोल रहे हैं कि सुबह को अगर जाएंगे तो धूप बहुत होगा ना, तो कार में प्रॉब्लम हो सकता है, और शाम के टाइम पे जाएंगे तो मतलब ठंडी ठंडी वेदर में ही पहुंच जाएंगे, इसके लिए तो ठीक है, पूजा के पहले वो फिर से आएंगे। आज बताओ एकदम तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं, अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया है, और वो लोग ना तब चले गए थे, मतलब वो लोग गए हैं 6 बजे के करीब चले गए हैं, और मैं 3 बजे घर आई थी, उसके बाद चिकू को खिलाने के बाद मैंने लंच किया उधर, और फिर मैंने 3 बजे मैं घर आई थी, उसके बाद चिकू सोया, उन्होंने बोला है कि पूजा से पहले फिर से आएंगे तो फिर से और मज़ा होगा, तो ठीक है। हमने बहुत इंसिस्ट किया, चिकू ने भी बोला, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था, और सुबह सुबह अगर जाते तो धूप इतना था, परेशानी होता, तो इसके लिए ठीक है, चलो एक दिन का ही मज़ा है हुआ तो वही बहुत ज़्यादा है हमारे लिए।
तो उसके बाद ना मैं और पीयू शाम के टाइम पे गए थे जेडी बाज़ार। मतलब हमारे यहाँ पे दो मॉल हैं, एक कोलकाता ट्रेंड्स एंड एक जेडी बाज़ार हमारे बिष्णुपुर में। दोनों ही नया नया खुला है। जेडी बाज़ार का 2 ईयर हो गया और कोलकाता ट्रेंड्स पिछले साल पूजा के टाइम पे खुला था। तो जेडी बाज़ार गए थे, पीयू को कुछ ख़रीदना था और मैंने कुछ ख़रीद लिया अपने लिए भी। तो मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। तो ये वाला एक टी शर्ट मैंने ख़रीदा, आप देख सकते हो कलर, ये वाला टी शर्ट ये घर में पहनने के लिए मैंने बेसिकली ख़रीदा है, ये एक एंड ये एक। कलर अच्छा है ना, मटेरियल भी बहुत अच्छा है, ये मुझे 145 करके पड़ा है। दो तो ये दोनों मैंने ख़रीदा। और चीकू के लिए ये वाला एक प्लेट ख़रीदा है, ये प्लास्टिक का है लेकिन प्लास्टिक का जो मतलब क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, तो इसके लिए मैंने ख़रीदा। 55 रुपीज़ है इसका प्राइस और मुझे बहुत अच्छा लगा, कार्टून प्रिंट का है। कोई भी गर्म चीज़ नहीं दूंगी इसमें मैं, कोई ठंडा अगर कुछ खाता है कोई स्नैक तो मैं उसको खिलाऊंगी। और मैंने ना ये 2 बॉटल लिया है सॉस का बॉटल, देखेंगे आप, ये देखिए इसका आपको पता है एक हंसी की बात क्या है, ये ना 2 मिल रहा था 45 में, मुझे 2 नहीं चाहिए था, एक ही चाहिए था, मुझे एक रेसिपी बनाना है उसके लिए मुझे ये चाहिए, तो 2 मिल रहा था 45 में और एक मुझे चाहिए था, तो मैंने सिंगल पीस देखा वो मिल रहा है 35 में, तो मैंने सोचा 2 ही ले लेती हूँ, एक रख दूँगी और नहीं तो फिर एक घर के लिए यूज़ हो जाएगा और एक मेरे किचन के लिए, मेरे स्टूडियो के लिए यूज़ हो जाएगा, तो ठीक है। तो मैंने ये ले लिया है, ये 2 45 में, मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा कैसे खोलते हैं मुझे पता भी नहीं है। मैं जब काम करूँगी इसके साथ मैं तब आपको दिखाऊँगी। और बस ये 2 टी शर्ट, एक ऐसा प्लेट और ये 2, बस और कुछ नहीं ख़रीदा। और पीयू बहुत सारा, पीयू शॉर्ट्स ख़रीदी और उसने भी टी शर्ट ख़रीदा, मोज़े ख़रीदे, ये सब कुछ बस ख़रीदा। और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और रात में हम लोगों का आज बना था चिली चिकन एंड रोटी, तो वही खाएँगे अभी। उसके बाद तो एडिट करना है, फिर सो जाना है। तो मैं आप लोगों से मिलूँगी और एक न्यू फ्रेश व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, गुड नाइट, टाटा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है ना? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए।